एसपी सांसद श्याम सिंह यादव हैं। सर, सदन में बहुत कुछ हो रहा है, कई सांसद विपक्ष के निलंबित किए गए। मैंने देखा कि बहुजन समाज पार्टी के सांसदों को कोई निलंबन नहीं हो रहा है। क्या आप लोग हंगामा नहीं कर रहे हैं? क्या आप लोग विपक्ष में नहीं हैं? क्या आप लोग ऐसा क्या? देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं और मजबूती से विपक्ष में हैं, लेकिन अभी तो हमारी पार्टी का डिसिप्लिन है, हमारी पार्टी का डायरेक्शन है, तो हंगामा नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिल से तो विपक्ष के साथ हूँ। मतलब विपक्ष में होने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा सरकार के साथ साथ भी है, कुछ ऐसा भी है क्या? सरकार के साथ तो कतई नहीं है। अब मैं जानता हूँ कि सरकार के साथ थोड़ा थोड़ा हैं, क्यों आपने कहा है, लेकिन वो सब चीज़ बाद में हो जाएगी। आज एक तस्वीर, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक तस्वीर ऐसी दिखाई दी है, आप चलिए सरकार के साथ नहीं है लेकिन पुरानी सरकार के साथ हैं, ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ बड़ी शिद्दत से गाड़ी में बैठ करके आपको लेके गए, ऐसा खबरें आ रही हैं कि आप कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं क्या? देखिए, ये सब रूटीन वे की बातें हैं, ठीक है। राहुल गांधी से तो मेरी 20 बार मुलाकात हुई, और जब आप लोगों ने नहीं देखा तो नहीं ज्वाइन किया, तब से देखा क्या? मैं तो समझता हूँ कि राहुल गांधी जी से मेरी मुलाकात कई कई सालों पुरानी है, लेकिन आज चूंकि आप लोगों ने सामने सामने देख लिया, वो ले लिया, वीडियो ले लिया, एक मात्र दो लोगों के बीच में ये मुलाकात थी। तो इस मुलाकात का कोई मायने नहीं है? कोई मायने नहीं, कोई अटकलबाजी आपको नहीं लगाना चाहिए, कोई कयास नहीं लगाना चाहिए। आई कैन से वी आर गुड फ्रेंड्स, वी डिस्कस सो मेनी थिंग्स पॉलिटिक्स, एंड आई मस्ट से सम गुड थिंग्स इन लाइफ, वी डिस्कस सो मेनी टॉपिक्स, ठीक है। हाँ, नहीं, ये भी खबरें आ रही हैं कि 5 ऐसे सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी के जो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ऐसी चर्चाएं क्यों हो रही हैं? भाई देखिए, 2024 का चुनाव है और बहुजन समाज पार्टी का जो रोल है वो मतलब बड़ा चुपसा, गुमसा, शान सा दिखाई दे रहा है। 24 सर का चुनाव सर पे है, 2024 का चुनाव, और आप लोगों की सक्रियता को दिखाई नहीं दे रही है, क्या आप लोग भी ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं? खबरें आ रही होंगी आप लोगों को, 5 सांसद कांग्रेस में जा रहे हैं, उसमें शायद आप लोगों ने मेरा भी नाम जोड़ के रखा होगा ज़रूर, तो इसी तरह से चर्चा में कर देते हैं। आज हम राहुल जी के साथ दिखाई दे दिए तो आप लोग कांग्रेस पार्टी में जाने का कयास लगाने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी बसपा का एक दमदार, एक जोरदार, एक लॉयल सिपाही हूँ, और बहुत शिद्दत के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं अभी बसपा पार्टी का एक मजबूत कार्यकर्ता हूँ। तो सर, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की भूमिका किस तरीके से देखते हैं आप लोग? बड़ा शांत है मामला, मतलब सीधी सीधी लड़ाई जो है 2024 में, ऐसा लगता है कि प्रमुख कोई दल है तो समाजवादी पार्टी है, इंडिया गठबंधन है, लेकिन उसमें बहुजन समाज पार्टी कहीं साथ नहीं दिखाई दे रही है, इसीलिए बार बार ये आरोप लगता है कि आप बीजेपी के बी पार्टी की तरह काम करते हैं आपके लोग, क्यों ऐसा क्यों ना कहा जाए? ऐसा ऐसा नहीं है, हम लोग अपना शांतिपूर्वक ढंग से अपना काम कर रहे हैं, माननीय बहन जी के निर्देशानुसार जो भी निर्देश देती हैं, जो भी फरमान देती हैं, हम लोग उसको करते रहते हैं, पूरा करते हैं। तो बीएसपी क्या देख रही है, गोल क्या देख रही है, क्या अचीवमेंट होगा आपका लोकसभा चुनाव में, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे, कितनी सीटें आपको मिलेंगी, कुछ तो अंदाज़ा लग रहा हो, कहीं कोई चर्चा नहीं है आप लोगों की अभी आजकल? हम लोग अपना कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। अब ये तो देखिए भविष्य की बात है। आकाश आनंद को नई जिम्मेदारी भी दी गई, सुना उससे भी कुछ नाराज़गी है? नहीं नहीं, उससे कोई नाराज़गी किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आकाश आनंद एक युवा हैं, होनहार हैं, जोशीला भाषण देते हैं, ख़ास तौर से इसलिए दी गई है जिम्मेदारी कि नवयुवकों में, नौजवानों में एक अजब का स्फूर्ति, उत्साह, उमंग जोड़ेंगे, इसलिए उनको जिम्मेदारी। तो बहुजन समाज पार्टी क्या उत्तर प्रदेश में या पूरे लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर ही चुनाव लड़ेगी, जैसे या किसी के साथ जाएगी? इंडिया गठबंधन में जाने की कोई उम्मीद, क्योंकि देखिए सपा से तो गठबंधन आपका पहले रहा ही है, तो इंडिया गठबंधन में क्या आप जाएंगे या फिर अकेले लड़ाई लड़ेंगे? लेट द टाइम कम, समय आने दीजिए, देखा जाएगा ये गठबंधन में हम किसी में जाते हैं, नहीं जाते हैं, क्या करते हैं, उसकी कोई आखिरी तारीख तो नहीं है ना। टुडे इज द नॉट लास्ट डे, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, हर चीज़ संभव है पॉलिटिक्स में, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बहुत 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 धन्यवाद। तो श्याम सिंह यादव जिनका कहना है कि
पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में जाएगी या अकेले रहेगी। इनका कहना है कि कुछ भी हो सकता है, समय का इंतज़ार कीजिए। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली।